सांसद व संभागायुक्त ने किया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा। अस्पताल में होंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी। दो मशीनें लगी, 8 और लगना बाकी हैं। 15 नवंबर तक वह भी लग जाएंगी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी व संभागायुक्त पवन शर्मा ने गुरुवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान सांसद व संभागायुक्त ने बताया कि अब जल्द ही सुपर स्पेशलिटी में बोन मैरो के ट्रांसप्लांट का इलाज भी शुरू होने वाला है, जिसके लिए 2 इम्पोर्टेड मशीनें लग चुकी हैं और 8 मशीनें और लगानी बाकी है, जो कि 15 नवंबर तक लग जाएगी। उसके बाद बाजार से आधे खर्च में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। इसके साथ ही जो हितग्राही किसी योजना के पात्र होंगे उनको यह सुविधा मुफ्त भी मिलेगी। आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संभागायुक्त और सभी मेडिकल के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनके साथ दौरा किया गया और मुख्यतः 2 बातें थी। एक तो कार्डिक जो ओपीडी कार्डिक ऑपरेशन है, हमारे बायपास हो, स्टंट डालना हो, जो भी हो, उसको लेके आने वाले 15 दिनों में या 20 दिनों में तैयारी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि उसमें कार्डिक ऑपरेशन भी होना शुरू हो जाएंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे। दूसरा है कि बोन मैरो का, जो अभी MI में है, पर यहाँ पर 10 बेड बोन मैरो में, मुझे लगता है बोन मैरो को लेकर जो एक 30 से 40 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा आ रहा है, यहाँ निःशुल्क होगा। 10 बेड हैं, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा आने वाले समय में, तो उसकी तैयारी चल रही है। संभवतः वो भी 14 नवंबर के आसपास प्रारंभ होने की संभावना है। यहाँ पे थोड़ा एक बोन मैरो यूनिट बन रहा है जहाँ पे लगभग 10 बेड्स डाले जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसे लोग, ऐसे मरीज, छोटे बच्चे और जो बड़े वयस्क लोग हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की। उसका निर्माण कार्य कैसा हो रहा है वो सब देखने के लिए आए थे। 2 यूनिट्स उसके लिए आ गई हैं, बाकी शेष 8 भी डिस्पैच हो गई हैं। मेरे ख्याल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 15 नवंबर के बीच में का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद में प्रत्येक जगह का कल्चर करा के ये देखेंगे कि वो विषाणु मुक्त हो गया है कि नहीं हो गया। एक बार वो हो जाएगा तो हम पेशेंट्स भर्ती करना चालू कर देंगे।